हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। यह क्यून ऑफ द रिंग के हिंदी एक्सप्लेनेशन का पार्ट फोर्थ है। यह इस ड्रामा के हिंदी एक्सप्लेनेशन का फाइनल पार्ट है। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। नन्ही सीगुन के साथ अपना डे एंजॉय करती है। मीचो सीगुन को कॉल करती है, पर वह नन्ही के साथ टाइम स्पेंड करने में बिजी होता है कि कॉल पिक ही नहीं कर पाता। नन्ही सीगुन को हग करने को कहती है और उसे खुश रहने को कहती है। सीगुन नन्ही से बोलता है, ऐसे क्यों बोल रही हो, क्या तुम कहीं जा रही हो? लेकिन नन्ही कुछ नहीं कहती और सीगुन को एक स्टोर में लेकर जाती है जहाँ मीचो भी होती है। दोनों सेम ड्रेस ट्राई करते हैं। नन्ही और सीगुन ड्रेस पहनकर बाहर आती है। सीगुन को रिंग की वजह से दो नन्ही दिखाई देती है। सीगुन बोलता है, ये क्या हो रहा है? मीचो नन्ही से पूछती है, तुम यहाँ क्या कर रही हो, क्या तुम्हें रिंग मिल गई है? नन्ही उसे कहती है, तुम्हें मैं बाद में सब कुछ बता दूंगी। लेकिन मीचो उसे बोलती है, एक तो मैं तुम्हारी हेल्प कर रही हूँ और तुम मेरे साथ ही ऐसे कर रही हो, मुझे तुम्हारी बात माननी ही नहीं चाहिए थी। मीचो नन्ही के हाथ से जबरदस्ती रिंग निकाल लेती है ताकि सियोंग नन्ही को रियल फेस देख सके। इसके बाद नन्ही सियोंग को सब कुछ बता देती है रिंग के बारे में, मीचो से उसकी गर्लफ्रेंड बनने के बारे में। लेकिन सीगुन को विश्वास नहीं होता। नन्ही सीगुन को विश्वास दिलवाने के लिए उसे फिर से रिंग पहनाने को कहती है। सीगुन उसे रिंग पहनाता है। उस सीगुन को नन्ही में मीजो दिखती है। वह सब समझ जाता है और नन्ही से पूछता है, इसका मतलब मैं तुम्हें डेट कर रहा था? सीगुन नन्ही से पूछता है, तो मैं किसे पसंद करता हूँ, तुम्हें या मीजो को? नन्ही उसे कहती है, तुम मीजो को पसंद करते हो, वही तुम्हारी ड्रीम गर्ल है। और सीगुन से माफी मांगती है। सीगुन गुस्से में वहाँ से चला जाता है। इसके बाद मीचो और सीगुन एक रेस्टोरेंट में साथ होते हैं। मीचो सीगुन से पूछती है, क्या तुमने नन्ही के साथ सब कुछ खत्म कर दिया? सीगुन उसे जवाब देता है, जब कभी उसके साथ कुछ शुरू ही नहीं हुआ था तो खत्म क्या करना है। और मीचो से अपनी मॉडल बनने के बारे में पूछता है, लेकिन मीचो कोई जवाब नहीं देती। नेक्स्ट मॉर्निंग सीगुन नन्ही को एक कैफे में अपने फ्रेंड के साथ देख लेता है। वह देखता है नन्ही उसके साथ खिलखिलाकर बात कर रही है। जैसे ही नन्ही बाहर आती है, सीगुन नन्ही से बोलता है, फिर से तुम दूसरे लड़कों के साथ हंसी मजाक कर रही हो? और उसका हाथ चेक करता है, कहीं उसने रिंग तो नहीं पहनी, मेरी तरह उसके साथ भी तो नहीं खेल रही हो? पर नन्ही ने रिंग नहीं पहनी होती। नन्ही उसे बोलती है, अब खुश हो? सीगुन नन्ही को हग करता है यह चेक करने के लिए कि क्या नन्ही के पास होने से उसे कुछ फील होता है या नहीं। सीगुन नन्ही को बोलता है, मुझे कुछ फील नहीं हो रहा, मुझे लग रहा था तुम मुझे कभी अट्रैक्ट नहीं कर सकती। और नन्ही का फोन लेकर उसमें से अपना नंबर डिलीट कर देता है। अब हम दोनों को एक दूसरे के नंबर भी डिलीट कर देने चाहिए। इसके बाद सीगुन मीजो को अपनी मॉडल बनाने के लिए कन्विंस करता है, यह मेरे लिए बहुत इम्पोर्टेंट है, मुझे एनी हाउ जीतना है। दूसरी ओर नन्ही अपने फ्रेंड ह्योन को अपना मॉडल बनाने के लिए कन्विंस करती है। लेकिन जब चारों आमने सामने आते हैं तो एक दूसरे से जेलिसी में मॉडल बनने के लिए हाँ बोल देते हैं। इसके बाद ह्योन नन्ही को बताता है कि तुम मेरी ड्रीम गर्ल हो, लेकिन नन्ही कुछ नहीं कहती। ह्योन उसे बोलता है, कोई नहीं, मैं तुम्हारा इंतजार करूंगा। दूसरी ओर सीगुन मीजो के साथ फैशन शो कॉम्पिटिशन की तैयारी करता है। मीजो सीगुन से पूछती है, क्या फैशन शो में ज्यादा ऑडियंस होगी? मीजो थोड़ी सी परेशान होती है। सीगुन उसे कहता है, क्या तुम्हें कोई प्रॉब्लम है? तभी सीगुन की मदर का मैसेज आता है कि मैं फैशन शो में नहीं आ पाऊंगी। सीगुन अपसेट हो जाता है, लेकिन मीजो को इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता, बल्कि सीगुन से लड़कर वहां से चली जाती है। सीगुन अपनी मदर को मिस कर रहा होता है, तभी उसे नन्ही की बात याद आती है। दूसरे के सामने मत रोना, जब भी तुम्हें रोने का मन करे तो मेरे पास आ जाना। सीगुन नन्ही को कॉल करने के लिए उसका नंबर सर्च करता है, पर उसने उसका नंबर डिलीट कर रखा होता है। तभी नन्ही वहाँ सोजू कॉस्ट्यूम में आ जाती है उसके दर्द को बांटने। सीगुन को नन्ही के परफ्यूम से पता चल जाता है कि वह नन्ही है। सीगुन नन्ही को फैशन शो के लिए गुड लक कहकर वहाँ से चला जाता है। इसके बाद फैशन शो स्टार्ट होने से पहले मॉडल्स के रैंप वॉक की प्रैक्टिस होती है। मीचो लाइट्स और लोगों को देखकर बेहोश हो जाती है। मीचो को एम्बुलेंस में ले जाया जा रहा होता है, तभी उसे होश आ जाता है। सीगुन उससे पूछता है, तुम्हें क्या हुआ? लेकिन योन उसे बताता है कि मीचो बहुत सारे लोगों यानी भीड़ को देखकर डर जाती है, इसलिए वह पेरिस से भी वापस आई थी।
उसे लोगों को देखकर चिंता हो जाती है और वह घबरा जाती है। मिचू सीगुन को बताती है, इसलिए ही मैं तुम्हारी मॉडल बनने से मना कर रही थी। योन मिचू के साथ हॉस्पिटल जाने का डिसाइड करता है और सीगुन को उसकी जगह नन्नी का मॉडल बनने के लिए कहता है। फैशन शो स्टार्ट होता है। जो भी इस कॉम्पिटिशन में जीतेगा उसे बिजनेस फंड से पेरिस भेजा जाएगा। नन्नी फटाफट सीगुन को तैयार करती है। सीगुन स्टेज पर आता है। सभी को सीगुन का परफॉर्मेंस अच्छा लगता है। इसके बाद सीगुन नन्नी को उसकी मॉडल बनने को कहता है, लेकिन नन्नी उसे कहती है, क्या मैं कैसे कर सकती हूँ। सीगुन उसे कहता है, क्योंकि तुम्हें लगता है तुम अगली हो, अगर तुम खुद ऐसा सोचोगी तो कैसे होगा। नन्नी उसे कहती है, अगर मेरी वजह से तुम फेल हो गए तो। सीगुन उसे कहता है, कोई फर्क नहीं पड़ता, मुझे तुम पर विश्वास है। नन्नी रेडी होकर स्टेज पर आती है। पहले तो सभी उसे देखकर बातें बनाते हैं, लेकिन सीगुन नन्नी को मोटिवेट करता है सारी बातों को छोड़कर परफॉर्मेंस पर ध्यान देने के लिए। नन्नी कॉन्फिडेंट होकर रैंप वॉक करती है। नन्नी की वॉक और कॉन्फिडेंट के बाद सब उसे देखते ही रह जाते हैं। सीगुन फैशन डिजाइनिंग का कॉम्पिटिशन जीत जाता है। इसके बाद सीगुन नन्नी को कहता है, मेरा इंतजार करना, मैं पेरिस से आकर बस तुम्हारे साथ ही रहूंगा। इसके बाद नन्नी योन को उसके सवाल का जवाब देती है, जिसके लिए वह नन्नी का आंसर का वेट कर रहा था। नन्नी उसे कहती है, बेटर है हम अच्छे दोस्त रहे। लेकिन योन उसे कहता है, मैं फिर भी तुम्हारा इंतजार करूंगा, क्या पता कभी तुम्हें भी मुझसे प्यार हो जाए। नन्नी अपने पेरेंट्स के साथ घर पर होती है। उसे वह मैजिक रिंग पड़ी हुई मिलती है। वह देखती है मदर ने रिंग नहीं पहनी है, फिर भी वह उसके फादर के साथ है। नन्नी पेरेंट्स से इस बारे में पूछती है, ये क्या है। मदर उसे बताती है, रिंग में मैजिक है, पर वह दोनों रिंग की वजह से नहीं मिले। जब मैं इस रिंग की वजह से मिली थी वह भाग गया जब उसने मेरा रियल फेस देखा। तभी से मैंने ये डिसाइड कर लिया कि दोबारा मैं किसी को नहीं कहूंगी ये रिंग पहनाने को। नन्नी हैरान हो जाती है बिना रिंग के उसके पेरेंट्स का प्यार देखकर। सीगुन पेरिस से वापस आ जाता है और नन्नी को रिंग देकर प्रपोज करता है। तुम पहली लड़की हो जिसके साथ मैं एक महीने से ज्यादा रहा हूँ और जिसका नंबर डिलीट करने के बाद मैं उसका नंबर दोबारा लेना चाहता था, और तुम ही हो जिसके सामने मैं फर्स्ट टाइम रोया था। नन्नी उसे कहती है, तुम्हें तो सुंदर लड़कियां ही पसंद है ना। सीगुन उसे कहता है, तुम मेरे लिए वर्ल्ड की सबसे सुंदर लड़की हो और मुझे माफ कर दो, यह समझने के लिए मुझे टाइम लग गया। इसके बाद नन्नी मिचू और ह्योन आपस में एंजॉय करते हैं। नन्नी का फैशन डिजाइनिंग वाला रैंप वॉक का वीडियो वायरल हो जाता है। इसके बाद सीगुन नन्नी की मैजिक रिंग को लेकर उसे फेंकने वाला होता है, लेकिन नन्नी उसे रोकती है, अगर हमारी बेटी को इसकी जरूरत हुई तो, मेरी तरह हुई तो। सीगुन उसे कहता है, चिंता मत करो हमारी बेटी सुंदर होगी। नन्नी सीगुन को कहती है, इसका मतलब हम फ्यूचर में शादी करने वाले हैं। सीगुन कहता है, मैं रिंग फेंक रहा हूँ। नन्नी उसे कहती है, बस लास्ट टाइम मुझे यह रिंग पहना दो, मैं तुम्हारी ड्रीम गर्ल की तरह लगना चाहती हूँ। सीगुन उसे रिंग पहनाता है। नन्नी उससे पूछती है, बताओ मैं कैसे लग रही हूँ। सीगुन को नन्नी में नन्नी ही दिखती है, क्योंकि नन्नी उसकी ड्रीम गर्ल है। भी हम किसी के प्यार में होते हैं चाहे वह कैसा भी हो, पर वह उसके लिए दुनिया का सबसे सुंदर व्यक्ति होता है। हमें उसकी सुंदरता देखने के लिए किसी मैजिक की जरूरत नहीं होती, सुंदरता देखने वालों की नजरों में होती है, सामने वाले में नहीं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए सारांग है, बाय बाय।